आपने सांठ गांठ की बात की, तो मैं बताना चाहता हूँ जो पीडब्ल्यूडी महकमा जो है वो हर रोड जो है अपने से थोड़े मुझे दे रहा है। मेरे बांबला पंचायत का घास चराई का पैसा था भाई मेरे। लोगों की बेहतरी के लिए एलजी साहब को भी लेटर लिखा है, ग्रीवेंसेस सेल में डाला है, 106 मकानों की लिस्ट द्वारा दी है और मैं उसको फॉलो अप भी कर रहा हूँ। बांबला के सरपंच हैं हमारे साथ अनिल शर्मा जी, और आज हम जो हैं वो बांबला की तरफ आए थे, और कुछ लोगों का कहना है कि जो टनल बन रहा है सुंगल टनल, और वहाँ पे जो पानी के रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो गए हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मौजूदा में सरपंच साहब हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे कि इन्होंने जो है वो बांबला में क्या क्या डेवलपमेंट करवाई है और क्या क्या जो काम है अभी नहीं हुए हैं। बहुत सारे आपने देखा है कि पंचायतें जो है वो खाली पड़ी हैं, जमीनी स्तर पर काम जो है वो नहीं हो पा रहे हैं, तो इन्होंने क्या काम करवाया इनसे भी जानेंगे, और लोगों के प्रति ये क्या कहते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है पानी खत्म हो रहे हैं, लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं, तो आज बातचीत करेंगे। सरान साहब मुझे ये बताएं कि आज हम नमस्कार जी, सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि टनल जो बन रहा है वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज लोगों के खत्म हो रहे हैं, पीने का पानी जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारी हल्का पंचायत बांबला में। जी सर। तो राम जी, आपने एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है मुझे, और जो तकरीबन 1.5 महीना हो गया है कि हमारा जो सुंगल टनल बन रहा है ये नेशनल हाईवे जम्मू पुंछ रेहड़ी पर, तो इसमें जहाँ से ये टनल जो क्रॉस हो रहा है वहाँ पे हमारा एक पुराना आश्रम था, बहुत ही पुराना आश्रम है, बाबा दुदादारी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। तो महाराज जी जहाँ पे आते हैं हर साल और हर संक्रांत में इनका भंडारा होता है, तो वहाँ पे क्या था कि एक नेचुरल जो वो वाटर सोर्स था, और वो इतना मतलब के इफेक्टिव वाटर सोर्स है कि उस पानी से हमारा जो वार्ड नंबर 9 और 10 है हल्का पंचायत बांबला की, गोदर खालसा रेवन्यू विलेज है, वहाँ पे उसकी सप्लाई जो है वो ग्रेविटी सिस्टम के जरिए होती थी। तो हमारे वहाँ के ही पेंचेस हैं, 2 बाड़े हैं, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10 संजय जी हैं, सुरेश जी हैं। जब भी उन्होंने उनको जो पता लगा कि पानी हमारा सूख गया है टनल की वजह से, उन्होंने मुझे तुरंत कॉल की, तो मैं मौके पे वहाँ पे गया, हमारी वहाँ पे जाके मीटिंग हुई। इवन दो के हमारा जहाँ पे थाना दिवस था, हमारे SHO साहब उसको चेयर कर, वो भी मौके पे गए, और हमने जो CS कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है उनके डायरेक्टर को, उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जहाँ पे बुलाया, और उन्होंने बोला जी हम जो है वो अभी तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो लिहाजा आप DC से बात कीजिए। तो उसी समय हमने वर्दी डिप्टी कमिश्नर राशि जो एक्स डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर थे उनसे मैंने बात की, और उन्होंने लास्ट जो है वो पिछले हफ्ते शुक्रवार को वही जगह एज ए ब्लॉक डिस्ट के लिए सेलेक्ट की थी, बाबा दुदादारी आश्रम उन्होंने आना था। तो हमारी बदकिस्मत यह है कि मैडम की ट्रांसफ़र हो गई, तो अभी नए DC साहब आए, हमें उनसे काफ़ी उम्मीद है, वो आएंगे मौके पर, CS कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उनको भी बुलाएंगे, उनके डायरेक्टर को भी बुलाएंगे, और हमने डिमांड किया है कि हमें एक नया ट्यूबवेल जो है वो कंपनी के द्वारा गोदर खालसा की सप्लाई के लिए स्पेशल ट्यूबवेल बनना चाहिए। हालांकि हमारी बातचीत उनके साथ चल रही है, मैं गोदर के लोगों को, वार्ड नंबर 9 और 10 के लोगों को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आपका मसला जेन्युइन है, आपका मसला जो है वो मैंने जेरे गौर डिप्टी कमिश्नर वर्दी डिप्टी कमिश्नर रियासी उनके पास पहुँचा दिया है। मुझे पटवारी का परसों फ़ोन आया था कि उन्होंने हमारा शेड्यूल प्रोग्राम आ गया कि DC साहब कहाँ ब्लॉक दिवस करना चाहते हो, मैंने गोदर खालसा का नाम दिया है, तो समस्या उनकी हल नहीं हुई, अभी तक उनकी हल नहीं है, अभी DC साहब के जेरे गोर जो मसला है, जब वो आते हैं तो उसी समय हम कंपनी वालों को भी बुलाएंगे और उनको ट्यूबवेल नया निकलवा के देंगे उनसे। अच्छा, जो जल शक्ति विभाग का काम चल रहा है तो हर जगह पे चल रहा है कि आपकी पंचायत में पहुंचा? बिल्कुल, मेरी पंचायत में जो कम से कम 2.5 साल हो गए हमें जल जीवन मिशन सुनते, लेकिन अब हमारे पास 2 ट्यूबवेल जो है वो आ गए हैं, वो सामने आप एरिया देख रहे हैं सुदेड़ी का, वहाँ पे 2 ट्यूबवेल निकले हैं, तो उनसे पानी पूरे मामला पंचायत में नहीं होगा। तो 5-6 दिन की बात है कि मेरी महकमे से बात हुई है एक्सिन साहब से, उन्होंने नया एक प्रपोजल जो है वो तैयार किया है, बांबला जो एरिया बच चुका है, जैसे भूगोल जगीर का एरिया, भूगोल खालसा का, बांबला मार्केट है अपर बांबला लोअर बांबला 2 नंबर 3 नंबर वार्ड, तो उनके लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट रजौरी में एक एरिया है जहाँ से तभी बहती है कपिला घाट है, वहाँ से हम नया प्लान बना रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 7-8 करोड़ की 8-8.5 करोड़ की स्कीम नहीं बनेगी जो पूरे मामला को जो है वो पानी की सुविधा जो है वो 2-4 महीने में कंप्लीट हो जाए। लोगों की काफ़ी ये शिकायतें रही हैं, आज हमने जो जहाँ पे पूरा दौरा किया है तो लोगों का कहना है कि PMAY के तहत अनिल सरपंच ने मकान भी लोगों को जिनको मकान मिलने चाहिए थे उनको नहीं पहुँचे हैं, जिनकी अप्रोच है उनको मकान मिल गए। ऐसा बात नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है, आज का से दौर जो है वो आपके सामने है सब कुछ। बेसिकली जब हम नए सरपंच बने तो हमें आज भी ज़्यादा
फरवरी मार्च 2019 में हमने सर्वे किया था पीएमएवाई का, तो हमने 165 मकान जो है वो इन्लिस्टेड किया था कि जिनके मकान कच्चे थे, तो उनमें से बाई चांस राम जी ऐसा हुआ, जो टेक्निकल मिस्टेक है, जो मेरी पंचायत की बात नहीं है, जो लेतर मगाई की भी बात है, जो अलिया तो हमारे डीडीसी साहब हैं उनकी पंचायत की भी बात है, हमारे जो पौनी की जितनी बजाय कुछ मकान जो है वो बाई टेक्निकल मैंने महकमे की वो गलती है, हमारी नहीं है गलती, तो वो है वो कट हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। तो मेरी पंचायत में कम से कम कोई 25 मकान जो है वो बहुत ही डिजर्विंग केस जो है वो डिलीट हुए हैं, जैसे कि जहाँ पे एक हमारे मोहनलाल जी हैं वो उनका बेटे की डेथ हो चुकी है, वो अकेले आदमी है, उनका मकान नहीं है, परमानंद जी हैं उनका मकान नहीं है, गोदर में हमारे जे जनाब जी, अगर बेहतर है कि आप जे एसीडी रियासी को पूछिए, वर्दी डिप्टी कमिश्नर को साहब को पूछिए, जे एलजी साहब को पूछिए जे क्यों डिलीट हुए, जे अनिल शर्मा ने डिलीट नहीं किए हैं, जे महकमे की गलती है, उसका काम है, आज अनिल सरपंच को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होगी तो बोर्ड अनिल सरपंच ने लेने हैं, लोग तो सारे समझ नहीं पाएंगे। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैंने लोगों की बेहतरी के लिए एलजी साहब को भी लेटर लिखा है, ग्रीवेंसी सेल में डाला है, मैंने इन्होंने मुझसे लिस्ट मांगी थी, मैंने 106 मकानों की लिस्ट द्वारा दी है और मैं उसको फॉलो अप भी कर रहा हूँ, मेरी आज भी एसीडी रियासी से बात हुई थी, मेरी बबीला अग्रवाल जो डीसी हमारी एक्स डीसी रही उनसे बात हुई, उन्होंने बोला था कि हमने आपके जो लिस्ट जो है वो ऊपर भेज दी है, अब जिसको अप्रूव करना है गवर्नमेंट ने, तो जैसी वो अप्रूव हुई उन्होंने मतलब कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस कि जो मेरे गरीब लोग रह चुके हैं उनको मकान पक्का मिलेंगे। सर मिलेगा तो सही, मैं आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूँ, जैसे आज किसी को जरूरत है, जिसको आज छत नहीं है उसको मकान चाहिए, उसको मिलेगा 4 साल के बाद या 5 साल के बाद। जे तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जे पूरी जो जिम्मेवारी सरकार की बनती है, सरकार ने हम लोग डायरेक्शन देनी थी, हमने सर्वे करके देना था तो हमने कर दिया, अब नालायकी तो सरकार की है, ये तो एलजी जो इंतजामिया जहाँ पे काम कर रहे हैं, ये अफसरशाही जो है, ये लोगों की बातों को तरीके मतलब के एक जो सिस्टम होता है सिस्टमेटिक तरीके से जो नो वेरी वेल के नहीं ले रहे हैं, इसी वजह से हमारे मकान जो है वो छूटे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब से कि बांबला की जो समस्या है इसको टीपीसी थ्रू प्रॉपर चैनल, खासकर जो पीएमएवाई के जो मकान हैं, जो गरीब लोगों के मकान रह चुके हैं, जो लिस्ट से कट चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, उन मकानों को जल्दी से जल्दी जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे, बांबला को टॉप प्रायोरिटी पे रख करके वो मकान हमें मिलने चाहिए। अनिल सरपंच को देखा कि अपने फेसबुक आईडी पे हमेशा पीडब्ल्यूडी का रहता है कि यहाँ पे इनॉग्रेशन की है, वहाँ पे नहीं है, हाँ। और जगह पे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत रहती है पीडब्ल्यूडी से खासकर, क्योंकि उनका काम जो है वो बोलते हैं वो मनपसंद नहीं रहता, गड़बड़ हो जाती है, आज तार को डालेंगे 5-7 दिन बाद फिर उखड़ जाती है, तो अनिल सरपंच की क्या वहाँ पे सांडगांड है, उनका ज्यादा काम होता है बाकी वालों का नहीं हो रहा? मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि जब मैं सरपंच बना था और मैंने 10 साल एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम किया डिस्ट्रिक्ट रियासी में, तो हमने सबसे अगर ज़्यादा समस्या फेस की तो वो रोडों की। आज आप अभी अपनी बाइक लेकर के इस गांव में आए हो जो 4.5 किलोमीटर का स्केच है, तो मैंने उस समय जो सोचा था कि सड़कें क्यों नहीं बनती, क्योंकि हमने फेस किया है जहाँ पर बहुत ही जो है वो पावरफुल मिनिस्टर रह चुके हैं, जुगल किशोर शर्मा जी आरएनबी के मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर बलदेव राय शर्मा जी एमएलए रह चुके हैं, बलदेव अपने अजय नंदा जी 9 मिनिस्ट्रियाँ थी, लेकिन जनाबी अली बात ऐसे है कि बांबला की पंचायतों पे तार को नहीं दिखी, नंदा साहब ने भी डाले नहीं, नंदा साहब के टाइम में हमें 1-2 सिड़कें जो है वो मिली हैं, उनका भी एक का ब्लैक टॉप होने वाला है तो एक कंप्लीट हो चुका है, बाकी जो है वो अपने टेनर में हमने हमारे पास पैसा था, अभी आपको पता होगा कि पिछले 6 महीने पहले मैंने एक मेन रोड नेशनल हाईवे टू हरियाणा का अपना थाती मला बाया हरियाणा खिलाड़ 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ है, अभी नेक्स्ट अगले 1 महीने तक हमारा मेन रोड नेशनल हाईवे से अपना दादा मसान बाया खड़ूटी शर्मा वो प्रोजेक्ट जो है वो 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसकी अलॉटमेंट हुई है पीडब्ल्यूडी के नांडे नवाड़ा जनाब वो होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है अभी हमारा आज ही। मुझे मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और खड़ूटी शर्मा के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, मेरे मैडम बबीला अग्रवाल का 3:30 बजे फोन आया था, आज ही हमारी एक अलॉटमेंट हुई है 69 लाख का प्रोजेक्ट था और वो ठेकेदार को अलॉटमेंट हो गया, शाम जी ठेकेदार है 550 मीटर का वो खड़ूटी शर्मा के एक स्केच रहा था शिव मंदिर वाला, उसकी अलॉटमेंट हो चुकी है और हमारा बाबा दूधाधारी आश्रम जिसकी आपने मेन बात की वहाँ पे हमारा 12 लाख का एक स्टेट सेक्टर का लुक डालनी थी दोबारा, पहले उखड़ चुकी थी दोबारा उसका हो चुका है, और एक अजय नंदा साहब ने डीओ लेटर दिया था हमें गोदर खालसा का, वो बड़ा अभी पेंडिंग प्रोजेक्ट चल रहा है 2 किलोमीटर है वो, उसकी मैंने महकमे से मेरी बात चल रही है, एक्सिन साहब माने हुए हैं हमारे बहुत ही आला अफसर हैं अपने महकमा पीडब्ल्यूडी के, एक्सिन साहब तो नए आए, आपने बोला सांडगांड, अभी तो एक्सिन साहब नए आए सर, मेरी बात क्या सांडगांड मेरे को बताओ, बांबला में जहाँ पे मेन बाजार है वहाँ पे दोनों तरफ नालियाँ नहीं है, पानी जो है सड़कों का ऊपर ही रहता है,
बहुत बार दुकानदारों ने मुझे फोन भी करके बोला कि पानी जो है कई बार दुकानों के अंदर चले जाए। लोगों की एक एसोसिएशन होनी चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए, मार्केट प्रेसिडेंट, साफ सफाई, रख रखाव, नालियां शालियां, बाकी जो आपने नई नालियां बनानी वो हमारी महकमा ग्रिफ से बात चल रही है, वो माने हुए हैं कि हम जो है वो आपको दोनों साइड नालियां बना के देंगे, पक्की नालियां बना के देंगे। हालांकि आपको जो नो बैरी बैल के अभी नेशनल हाईवे का काम चला वो दूसरी साइड से काम चल रहा है, तो वो मसला मेरे जेरे को हो रहा है। बाकी जो मार्केट के लोगों की एक अपनी ड्यूटी बनती है, प्राइम ड्यूटी बनती है कि मार्केट की रख रखाव, साफ सफाई, और वहाँ भी की एक कमेटी भी होनी चाहिए। एक सवाल रहेगा आखिरी में, खत्म करेंगे, मुझे ये बताओ जहाँ पे ग्रिफ ने काम किया बांबला टू बारह क्या आपने दुमेल तक रोड का काम किया, कतारकोल डाली इन्होंने सर्दियों में ही, और सभी लोग खुश हुए कि पीडब्ल्यूडी के मुकाबले ग्रिफ ज्यादा काम अच्छा कर रही है, और उसके महीने के बाद तारकोल जो है वो जगह जगह उखड़ गई, आपने देखा होगा। क्या अभी आपने कहीं बात की इनके साथ की क्या कारण है भाई, आपने जो आपकी सड़क है वो उखड़ गई है, और आए दिन सर हादसे हो रहे हैं, एक बाइक वाला जहाँ पे फिसल गया था और वो हॉस्पिटल में पहुंच गया था, तो उन्होंने भी मुझे बताया भैया जगह जगह पे तार को लुखर गई है और जब बाइक जाती है वो स्लिप हो जाती है। देखिए इनके जो ग्रिफ के जो ऑफिसर हैं, मेरी उनसे दो मरतबा बार बात हुई है इस लुक के बारे में, उन्होंने बोला था कि हमें जैसे हमें डायरेक्शन मिली हमारे महकमे की तरफ से भी तार को डालो, हमने डाल दी। रही बात इसकी हम जो अब दुरुस्ती करने के लिए आमदा हैं और बड़ी जल्दी इसकी द्वारा मरम्मत होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। अब हम लोग ही खुद महकमे को कंपेल करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो लुक डालो। सर अगर इनका फर्ज बनता है, मौसम वो भी उखड़ गई है, उखड़ गई है तो उनको रिपेयर करना चाहिए, इमीडिएटली रिपेयर करना चाहिए, तो हम भी इसकी अप्रोच करेंगे, ट्राई करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली जो है वो इस मुद्दे को टेकअप करूंगा और उसको जो है वो दुरुस्त कराएंगे। आपने सांठ गांठ की बात की तो मैं बताना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी महकमा जो है वो हर रोड जो है अपने से थोड़े मुझे दे रहा है। मेरे बांबला पंचायत का घास चराई का पैसा था भाई, मेरे क्या कौन सा पैसा था, घास चराई का पैसा था, जिसको मैंने हरिया खलाड़ा में लगाया, जिसको मैंने पंचायत पांबला की रोड में लगाया, पंचायत घर की रोड में लगाया, जिसको मैं शिव मंदिर की रोड में लगा रहा हूं, और वो पैसा जो है वो मैडम बबीला रखवाल डीसी मैडम ने हमारे जहां पे ब्लॉक दर्ज किया, हमसे रेजोल्यूशन लिया, उन्होंने बोला भी क्या काम चाहिए आपको, हमने कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस किया, तो वो पैसा है जनाबी अली, महकमा पीडब्ल्यूडी थोड़ी दे रहा है, हमारा पैसा हमें ही मिल रहा है। लेकिन जे मैडम डीसी मैडम जो एक्स डीसी साहब रहे मैडम रहे हैं उनकी बदौलत जो हमें पैसा मिला तो ठीक है, लोगों के काम हुए हैं। बाकी हाँ महकमा पीडब्ल्यूडी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने एक इंटरव्यू किया था पुंछ में, बंदे ने आपको बोला था कि भाई मैं जम्मू में भी रहता हूँ, रजौरी में भी रहता हूँ, उसका रोड का मसला था, उसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था जनाबी अली, वहां पे फॉरेस्ट लैंड है, और तीन बार वो मुद्दा जो है वो उठा है ब्लॉक दिवस में। उसके बाद हमने महकमा से बातचीत करके उस रोड की डीपीआर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पीडब्ल्यूडी एक्सीएंट साहब ने और वहां के जो एडब्ल्यू साहब है बलदेव जी यही साहब, उन्होंने मुझे कल ही फोन किया था, जनाब आपकी वो डीपीआर उसका नाम है नेशनल हाईवे रोड टू लियाला कस, अच्छा पांबला, मेन पांबला का रोड है, तैयार नहीं है, डीपीआर तैयार करवाएंगे और आपको मौके पर बुलाएंगे, और डीपीआर तैयार करके उसकी अल्टीमेट मतलब सिस्टमेटिक तरीके से फाइल तैयार करके मैं उसको फॉलोअप करूंगा और उसको जहां पहुंचाना है पहुंचा के रहूंगा और सड़क बना के उतरूंगा। बाकी बांबला की जो नीचे वाली सड़क है उसके बारे में नहीं आपने जिक्र किया, नो पंचायत घर की सड़क है, 500 किलोमीटर का स्केच है, शनि मंदिर टू रट्टा मल्ला बाया पंचायत घर, उसका काम लगाए, काम चेक कीजिए, देखिए। तो ये जो मैं आपको रोड कनेक्टिविटी का पीडब्ल्यूडी वाकई आलिया तरीके से काम कर रही है, मेरी पंचायत में उन्होंने अच्छा फोकस किया है, मैं महकमे की तारीफ करता हूँ, काबिले तारीफ है एक्शन रियासी, काबिले तारीफ है उनकी टीम, बहुत बढ़िया, हमारे जो नए डीसी साहब है बहुत ही बढ़िया ऑफिसर आए हैं। वैसे बहुत लंबा हो जाएगा, कहीं और मौका मिलेगा तो आपके साथ भी और मुद्दों पे बात करेंगे। तो ये थे मेरे साथ सरपंच अनिल शर्मा बांबला पंचायत से हैं, और काफी ज्यादा इन्होंने अपने जो काम किए हैं वो भी दिखाए हैं, और मैं आपको बता दूं ये लोगों के मसले थे, लोगों ने हमारे साथ अप्रोच की थी और लोगों के मसले जो है वो सरपंच साहब से हमने रखे हैं और सरपंच साहब ने उनका एक्सप्लेन किया है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहे रियासी जेके न्यूज़, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।